हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल तो यहाँ मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट वर्ड्स मीनिंग तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी बड़ी क्लासेस के लिए भी और जो भी छोटी क्लासेस है वहाँ पर भी वर्ड्स मीनिंग तो आपके आते ही आते हैं और नहीं भी आते हैं तो अगर आपको कोई पैराग्राफ दे रखा है होता है तो उसमें जो मीनिंग्स होते हैं आपको उनका मतलब आना चाहिए ताकि आप उस पैराग्राफ का अर्थ जान सको और आंसर कर सको उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस का तो यहाँ मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ वर्ड्स का जिसमें हम कुछ वर्ड्स देखेंगे तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये अभी के लिए तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही बट आगे की जो आप कॉम्पिटिशन देंगे या कोई और एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मैं जो महत्वपूर्ण जो वर्ड्स कह सकते हैं आप इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं उनका सारांश लेकर आई हूं चलिए देखते हैं सबसे पहले वर्ड है यहाँ पर लिटरली जिससे आप बहुत बार सुनते होंगे देखते होंगे लिटरली जिसकी स्पेलिंग होती है एल आई टी ई आर ए डबल एल वाई लिटरली यानी सचमुच लिटरली का अर्थ होता है सचमुच हम बोलते हैं ना लिटरली यानी सचमुच तो यहां मैंने आपको साथ ही साथ में जो इसका प्रोनाउंशिएशन है वो भी दे रखा है ताकि अगर आप कई बार ऐसे होता है कि आपको लर्न करना होता है और तो आप फटाफट से देख सकते हैं कि अच्छा इस वर्ड को ये बोलते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट सेकेंड वर्ड देखेंगे जो कि होगा क्या है मिस गाइड एम आई एस जी यू आई डी ई मिस गाइड यानी बहकाना मिसगाइड का अर्थ होता है बहकाना अगला वर्ड है वायलेंस वायलेंस बहुत बार सुनाई देता है ये वर्ड वायलेंस यानी उत्पाद जिसकी स्पेलिंग होती है वी आई ओ एल ई ई एन सी शैतान बच्चों को कहा जाता है कि वायलेंस मत करो नहीं तो मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगा या निकाल दूंगी जो टीचर होता है वो कई बार शैतान बच्चों को कहते हैं ठीक है थीके? जो बच्चे उधम करते हैं या फिर जो बच्चे शैतानी करते हैं उनके लिए बोला जाता है वायलेंस मत करो यानी उत्पाद मत करो ठीक है फोर्थ वर्ड है आपका वर्जिन वी आई आर जी आई एन वर्जिन यानी होता है कुवारी या पवित्र ठीक है ये बहुत वर्जिन है यानी पवित्र है वर्जीन जगह है पवित्र प्लेस है ठीक है तो इस तरह से बोल सकते हैं आप नेक्स्ट uh, वर्ड है विजडम जो कि बहुत बार सुनाई देता है बहुत बार uh, कहानियों में देखने को मिलता है स्टोरीज में और पैराग्राफ में भी देखने को मिलता है ये वर्ड जो uh, होता है स्पेलिंग इसकी देख लीजिए डब्ल्यू आई एस डी ओ एम विजडम यानी बुद्धि मानी ठीक है विजडम का अर्थ होता है बुद्धिमानी अगला वर्ड है ट्रबल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है बट जो मैं uh, ज़्यादा बता रही हूँ तो उन वर्ड्स को तो आप लर्न कर ही लीजिएगा क्योंकि ये वर्ड्स आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे ठीक है तो यहाँ ट्रबल की स्पेलिंग देखेंगे टी आर ओ यू बी एल ई ट्रबल ट्रबल यानी परेशानी कोई ऐसे बोलता है कि मैं बहुत ट्रबल में हूँ यानी मैं परेशानी में हूँ ठीक है अगला वर्ड है प्रिवेंशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिवेंशन पी आर ई वी ई एन टी आई ओ एन प्रिवेंशन यानी रोकथाम प्रिवेंशन का अर्थ होता है रोग था अगला वर्ड है एजिटेशन एजिटेशन मुझे बहुत एजिटेशन हो रहा है एजिटेशन हेजिटेशन आपने सुना होगा हेजिटेशन बोलते हैं तो है, उसका एजिटेशन होता है यानी मुझे बहुत बेचैनी हो रही है हम बोलते हैं ना किसी के सामने मेरे को बोलने में बहुत हेजिटेशन हो रहा है यानी बेचैनी सी हो रही है कि मैं कैसे बोलूँ उसके सामने बड़ा है वो मुझसे तो इस तरह से hesitation का यूज किया जाता है इसकी स्पेलिंग होती है ए जी आई टी ए टी आई ओ एन एजिटेशन यानी बेचैनी एजिटेशन का अर्थ होता है बेचैनी अगला वर्ड है एनफोर्स एनफोर्स ई एन पी ई एन एफ ओ आर सी ई एनफोर्स यानी लागू करना वो कानून लागू हुआ या बजट को लागू किया गया बजट को एनफोर्स किया गया ठीक है तो इस तरह से इसका यूज भी बताते जा रही हूँ ताकि आपको कम्युनिकेट कर सको इन वर्ड्स को और आपको जल्दी से याद हो जाए ये वर्ड्स ठीक है एनफोर्स का हिंदी अर्थ होता है लागू करना ओके और लास्ट वर्ड है इस पार्ट का जिसमें देखेंगे हम जो वर्ड है रिलायबल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज़्यादा आम बोलचाल में भी यूज़ किया जाता है और बहुत सारी स्टोरीज़ पैराग्राफ इनमें भी देखने को मिलता है तो रिलायबल स्पेलिंग देख लेते हैं आर ई -e एल आई ए बी एल ई -e, रिलायबल यानी भरोसेमंद रिलायबल का अर्थ होता है भरोसेमंद वह व्यक्ति ईमानदार है उस पर भरोसा कर सकते हैं वह भरोसेमंद है यानी वह रिलायबल है ठीक है तो रिलायबल का अर्थ होता है भरोसेमंद इस तरह से हमने देखा बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं इस पार्ट में तो ये पार्ट फर्स्ट है इसी तरह से मैं बहुत सारे पार्ट्स आपके लिए लेके आने वाली हूँ इस तरह के वर्ड्स के जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और आगे हर एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएंगे इनमें से एक ना एक वर्ड ठीक है तो ये था पार्ट फर्स्ट उम्मीद है आपको पूरे जो वर्ड्स मैंने बताए हैं याद हो गए होंगे संग ही संग में आप इसे रिवाइज़ करते जाए वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको याद हो जाए ये जो जो भी वर्ड्स है ठीक है इसी तरह हम आपकी क्लासेस से रिलेटेड और भी मैं इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाती रहती हूँ और भी हम वीडियोस लाते रहते हैं हमारे चैनल पर तो आप इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद